अ वेरी गुड डे टू एवरी वन, दिस इज अंकिता अरोरा। छोटी सी बात है, एवरीबडी राइट नाउ, आई वुड से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट, दे आर फोकसिंग ऑन वन थिंग एंड दैट इज वॉट वुड बी द काइंड ऑफ पेपर। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस मच, आई हैव प्रिपेयर्ड दैट मच, आई हैव डन दिस मच, आई हैव डन दैट मच, दिस सब्जेक्ट इज स्ट्रांग, दिस सब्जेक्ट इज वीक, दिस मैनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई एम इमोशनली यू नो स्ट्रक, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट। बट द अल्टीमेट थिंग इज दैट दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड। इन टूडेज वर्ल्ड ना, ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बींग इज गेटिंग मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक मीन्स फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट फ्लावर्स इन योर गार्डन, ओके, नाउ इवन अफ यू नो द पर्सन हु टेक केयर्स ऑफ नर्सरी, द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ क्रॉप्स, इवन दैट पर्सन इज कंसर्न अबाउट द रिजल्ट। दे वॉन्ट गुड क्रॉप्स, they want not good crops, that is a mistake from my side, they don't want good crops, they want n number of crops, they want a large quantity of crops. In that sense, what they are doing, pesticides use karenge, insecticides use karenge, fertilizer use karenge, quality of the process to yahan matter hi nahi karta, the quality of process is immaterial here. रिजल्ट चाहिए। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दिस इज वॉट द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वेयर यू आर नॉट एट ऑल कंसर्न और लीस्ट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस। अब एक चीज बताओ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया, क्रॉप्स। फार्मर को भी क्रॉप्स चाहिए, बहुत सारा क्रॉप्स चाहिए, क्वालिटी। तो अब कहीं ना कहीं यू ऑल्सो नो कि फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में ये क्वालिटी नाम की जो चीज़ है वो कहाँ जा रही है। क्या तुम्हें लगता है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत अच्छा है? डिजीजेस इंक्रीज हो रही हैं, कैंसर क्यों इंक्रीज हो रहा है? ज़्यादा रीज़न, पेस्टिसाइड्स अंदर जा रहा है, इंसेक्टिसाइड्स अंदर जा रहा है, आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं चीज़ें। डू यू रियली थिंक सो कि लॉन्ग रन में ये चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल है? बिल्कुल नहीं। सिमिलर इज द केस विथ योर स्टडीज़। आपको रिजल्ट चाहिए, आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, सीएमए बनना है, एक्सपायर्ड, जो भी, जिस भी फील्ड के आप स्टूडेंट हो, यू वांट टू बी दैट। बट गोल अचीव करने के लिए प्रोसेस कहाँ है? आर यू रियली कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस और जस्ट शॉर्टकट ढूंढ रहे हो? दैट शॉर्टकट कुड हेल्प यू इन शॉर्ट रन बट नेवर इन द लॉन्ग रन। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू बी instead of result oriented, try to be process oriented, focus on the quality rather than quantity। ये चीज़ तुम्हें बहुत काम में आएगी। हो सकता है तुम इमीडिएटली सीए नहीं बनो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बनो, पर जब बनो तो खुद को भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। रटंत विद्या करके बने तो क्या सीए बने? जब यहाँ से नॉलेज अप्लाई करने की बारी आएगी ना, तो पूछा उस सीए को नहीं जाएगा कि जो पहले पास हो गया, पूछा उसको जाएगा। भले ही बाद में पास हुआ, लेकिन उसका नॉलेज एप्लीकेशन लेवल क्या है, ज़्यादा है। तो आज शायद कोई रेस में आगे दौड़ गया, पर अगर तुम नॉलेज से रेस लड़ रहे हो ना, तो डेफिनेटली सामने वाले को पीछे छोड़ोगे। तो फोकस ऑन प्रोसेस रेदर देन रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो रिजल्ट पे फोकस करना बंद करो, मटेरियलिस्टिक होना बंद करो, प्रोसेस पे फोकस करना स्टार्ट करो। सो दिस वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू, ओके? सो आई होप, छोटी सी बात है, पते की बात है, काम आएगी। और ये तो बहुत पहले से, हर जो बोलते हैं ना, बहुत रेनोन्ड पर्सनों का एक एक के तुम अभी भी टाइम वेस्ट करने बैठ जाओ, जितने मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने हैं ना, सब देख डालो। हर जगह यही बोला जाता है। इनफैक्ट हमारे फेमस एंड फेवरेट धोनी, उनका वीडियो देख लो। आपको जिसका वीडियो देखना उसका वीडियो देखो, यू विल फाइंड, प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, ओके? सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।